सो गाइस, अभी जो मेरे सामने गाड़ी देख रहे हो ना, ये एम एन रहेगी 3XO, और ये MX3 वेरियंट है, पेट्रोल में मैनुअल। और जो इसकी ऑन रोड कॉस्ट है ना हरियाणा में 11 लाख के आसपास। तो आप गाड़ी भी देखते हैं भाई, क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ नहीं, और बाकी किस सेगमेंट में ऑन वेन्यू वगैरह, उसके साथ फ्रॉन्क्स वगैरह, डेल्टा प्लस वगैरह वेरियंट आ जाते इस प्राइस में। और इसी प्राइस में आप नेक्सोन के भी कई प्राइस वेरियंट्स मिलते हैं। बाकी इसमें क्या ऐसा मिलता है जिसको आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए, बाकी की वगैरह देखो, रिमोट की आपको मिलती है। इसके ऊपर वाले वेरियंट्स पर जब आप जाते हो ना भाई, LED प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। बाकी बेसिक वेरियंट्स की तरफ जब जाते हो, लाइक 1.5 से नीचे नीचे, वहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर ही देखने को मिलेगा। पहले मैंने आपको LED बता दी, बट भाई हेलोजन में ही आपको देखने को मिलता है। बाकी DRS जो है कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। बाकी जो फ्रंट लुक है ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक AX5 सीरीज से कंपेयर, टॉप मॉडल से कंपेयर करते हो तो मतलब उससे फार, मतलब जो लाइट आती है ना फोगलम की, उसी कमी लगेगी, बाकी कुछ देखने में नहीं लगेगी लुक्स वाइज। बाकी ग्रिल वगैरह जो है ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसी आपको देखने को मिलती है, कहीं पे भी मैट का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया। नीचे जो रेडिएटर ग्रिल वगैरह देखने को मिल जाएगी, और स्पोर्टी सा फ्रंट ही बम्पर मिल जाता है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे ऑफर करती है। बूट वगैरह जो इसका काफ़ी अच्छा है। इंजन जो है ना भाई, इसके अंदर लगा भाई अपना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 110 BHP की पावर, 200 mm पेट्रोल निकाल के देता है, जो कि डिसेंट पावर आपको निकाल के दे देगा। माइलेज वगैरह भी डिसेंट वगैरह आपको दे देगा। यदि आपको बहुत बढ़िया एवरेज चाहिए तो आप डीजल वगैरह की तरफ जा सकते हो। बाकी साइड में आऊँ, आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे अभी कोई खास क्रॉस कटिंग अपनी की नहीं है। व्हील कैप्स वगैरह यहाँ पे दे रखे अच्छे खासे, तो कोई आपको जरूरत नहीं है बाहर से कुछ लगवाने के लिए। महिंद्रा का नया वाला लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपोलो के यहाँ पे टायर डाले गए हैं, और टायर साइज़ जो है ना वो है 205/65R16। तो 16 इंच के यहाँ पे व्हील्स रखे गए हैं, जबकि ये AX5 वगैरह में आप देखते हो इसके अंदर भी सेम वही 15/16 इंच के, सॉरी। बस फर्क इतना पे यहाँ पे अलॉय मिल जाते हैं, यहाँ पे ड्रम वो स्टील व्हील मिल जाते हैं, तो ये डिफरेंस है। बाकी क्लैडिंग वगैरह सेम मिल जाती है। बाकी यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स जो है ओरियम पे ही मिल जाएंगे अपने सेगमेंट में, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्वार्टर पैनल यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलेगा। बाकी एंटीना यहाँ पे मिल जाता है, सनरूफ भी इस वेरिएंट में आपको मिलती है, जो कि आगे आ जाके दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी डिफॉगर या वाइपर वगैरह नहीं मिलता है सच, बट ये है आपको हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है, अच्छी खास फिनिशिंग वगैरह देखने को मिल जाती है पीछे की तरफ। यहाँ पे XUV 3XO की बैजिंग वगैरह दे रखी है, दो पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं है, मतलब भाई DRL नहीं है, बट LED लाइट्स यहाँ पे ऑफर की गई है। 364 लीटर का मिलता है, जो कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब डिसेंट है। थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा, बट ये है भाई ट्रॉली बैग की बात करूँ तो 3-4 आराम से आ जाएंगे, बाकी 3 से 4 लोगों का सामान भी काफ़ी आराम से आ जाएगा। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे है, पार्सल ट्रे लगा भी लोगे ना तो अभी जो आपकी कैपेसिटी है ना उतनी रहे, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो पार्सल ट्रे का भी यूज़ कर सकते हो, 60-40 सीट फोल्ड कर सकते हो। वो स्टेपनी वगैरह जो इसमें सेम साइज़ की ही मिलती है, बट फर्क क्या है भाई, उसका जो सेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, टायर पतला मिलता है, थोड़ा टायर नहीं मिलेगा। साइड में आपको फ्यूलिड वगैरह देखने में मिल जाएगी। अभी ना गाड़ी के पीछे बैठ के दिखाता हूँ मैं भाई, गाड़ी में कैसा कुछ स्पेस वगैरह, लेग रूम, हेड रूम, क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। बाकी तो सही बताऊँ भाई, यहाँ पे AC वेंट वगैरह है, यहाँ पे एक सी टाइप पोर्ट, थोड़ा स्पेस, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाएगा, बाकी कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। बट सीट जो है बिल्कुल ही नेक्सोन की टक्कर की है भाई, नेक्सोन की जो पीछे सीट आती है ना उससे भी बढ़िया कंफर्टेबल सीट इन्होंने दे दिया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। तो आगे भी आप कंप्लीट व्यू ले लो भाई, कंप्लीट जो इंटीरियर कुछ इस तरीके का, डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप ना ये यहाँ पे डोर ट्रिम देख लो, 4 पावर विंडो वगैरह मिल जाएंगे, डोर लॉक, विंडो लॉक, यहाँ से जो ओरियम के कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है भाई। 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे, और कुछ इस तरीके के कंप्लीट डोर आपको मिलेगा। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं, सबसे पहले बता दो भाई, सीट हाइट वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ बैक रेस्ट एडजस्टमेंट आप कर पाओगे, तो सीट को पीछे कर लेते हो। यहाँ पे आप फ्यूलिड ओपन कर सकते हो, यहाँ पे बोनेट ओपन कर सकते हो, और बाकी कुछ बटन्स वगैरह हैं जिनके बारे में अभी डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे जैसे गाड़ी के अंदर आया भाई, तो ये आप लोग देखो भाई, कंप्लीट डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ी होती है भाई जिनमें कि आपको इतना प्रीमियम डैशबोर्ड मिल जाता है। अभी जो है ना मैं बात करता हूँ इस साइड से सारी चीज़ें होगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करें AC वेंट की, काफ़ी बढ़िया से AC वेंट मिलते हैं, फिनिशिंग देखो भाई काफ़ी अच्छी है। बेस मॉडल में भी गन मेटल ग्रे का यहाँ पे यूज़ किया गया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आपको मिलेगी। बाकी अटैक्शन कंट्रोल का बटन, बीम एडजस्ट, स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे मिल जाएगा,
अभी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं, वही है आपका इंजन को जो ऑटोमेटिक कट कर देता है ना भाई, ट्रैफिक वगैरह में लाइक गाड़ी को रोकते हो तो वहाँ पे फालतू में जो गाड़ी का इंजन ऑन रहता है उसको कट ऑफ कर देता है भाई ये AI की मदद से सेंस करके। बाकी स्टेयरिंग पे आऊँ तो स्टेयरिंग की साइडिंग चेकआउट कर लो भाई, स्टेयरिंग जो है सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं आता, और यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स है और क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे कमांड वगैरह भी कर सकते हो, म्यूट यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ से क्रूज कंट्रोल सेट रीसेट, यहाँ से ऑफ, यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा, और यहाँ कॉल काट सकते हो और ये उठा भी सकते हो। बाकी यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो म्यूजिक वगैरह। बाकी स्टेयरिंग तो भाई बहुत ही प्यार लगता है भाई इस नए लोगों के साथ में। बाकी ये नया कंसोल आया भाई इसके अंदर, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे आपकी गाड़ी की बूट ओपनिंग जो शो कर रहा है ये देखो भाई ब्लिंक कर रहा है, और कुछ ज़्यादा ही जोर से मारना पड़ता है इसका बूट भाई, इतने आराम से बंद नहीं होता क्योंकि भाई यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह दिख जाएगी कितने घंटे में जो आपने 153 किलोमीटर चलाई। जैसे शोरूम में गाड़ी खड़ी है और 153 किलोमीटर तो काफ़ी चला जाए भाई इन्होंने। बाकी टेम्परेचर मीटर यहाँ पे, फ्यूल मीटर, पार्किंग आती है 8,000 तक की RPM की पार्किंग है, और अब यहाँ पे आपको कंफर्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये कंफर्ट पता है कि अभी ये स्टेयरिंग का ही मोड है कंफर्ट, इसके जो है ना सेटिंग से आप दे रखे, इस बटन को आप दबाओगे ना तो आपके स्टेयरिंग मोड चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बटन दबाता हूँ कंफर्ट नॉर्मल स्पोर्ट, और ये वापस कंफर्ट मोड में आ गई है, तो इसी बटन से ही होता भी जो होता है। बाकी स्टेयरिंग के भी मोड से यहाँ पे इस गाड़ी में मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो ट्रिप को। उसके बाद यहाँ से ट्रिप डिटेल्स देख सकते हो, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ऊपर रियल टाइम माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह, यहाँ पे टेम्परेचर और टाइमिंग, ये सारी चीज़ें दिखाता है। एंड ये किसका क्या मतलब भाई वो पता नहीं भाई, कमेंट में बताना किसी को, बताओ दो। उसके बाद भाई यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन जो है इसका बेस्ट पार्ट रहा है भाई। अब ये स्क्रीन जो है ना सेगमेंट पे इतनी स्मूथ स्क्रीन मेरे को नहीं लगता भाई किसी और गाड़ी में मिलेगी, और इतनी बड़ी। सबसे पहले इसका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है भाई, उसके बाद भाई इसमें अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारी चीज़ें वायरलेस आपको देखने को मिल जाती हैं। और इस गाड़ी के अंदर जो है ना भाई एक और कमाल की चीज़ आती है भाई, X5 वेरिएंट में ड्यूल क्लाइमेट जोन AC आपको मिलता है, इसके अंदर नहीं है भाई, उसमें आपको मिल जाता है, बट भाई वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेरे को लगता है नहीं इतना, बस ठीक है भाई। लाइक कभी कभार काम आता है जब आपके साथ कोई बुजुर्ग चल रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको भाई टेम्परेचर मतलब इशू वगैरह रहते हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए ठीक है। बाकी तो भाई नॉर्मल गर्मी में सबको ठंडक चाहिए, तो वो वाली बात है, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बाकी ये बटन्स वगैरह हो गए साइलेंट सिस्टम के, इसके अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे फ्यूल इन्फो जो आपको मिल जाएगी, माइलेज वगैरह, और ये सारी चीज़ें 8 की एवरेज दिखा रहा भाई। सेटिंग्स में जाऊंगा तो यहाँ पे साउंड, डिस्प्ले, फोन, मतलब यहाँ से बैक जाने के लिए को बटन नहीं दे रखा भाई, सीधा इन्होंने होम पे जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन वगैरह सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वीडियो वगैरह, तो यही मतलब भाई ऐसे अपना USB वगैरह कनेक्ट करके अपना एप्पल कार प्ले यूज़ कर सकते हो, अपने सॉन्ग सुन सकते हो। उसके बाद भाई AC वेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पे आपको जो AC कंट्रोल्स है वो मिल जाएंगे, ये डिफोगर की है, एयर इनटेक कहाँ से लेना चाहते हो कहाँ से नहीं, बाकी ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे डिफोगर वगैरह कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ से अपने एयर जो बाहर से आवाज़ चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, अंदर से चाहिए तो भी ये है, आई थिंक एक ही बटन काफ़ी था, मैक्स AC। इससे क्या है कि मैक्स AC कूलिंग करता है, ये पता क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं भाई। फुल मतलब चारों पॉइंट ऑन जाते हैं मैक्स AC से, तो ठीक है भाई ये सारा चीज़ है। बाकी फ़ैन कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से AC ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ है भाई। उसके बाद ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेस चेकआउट करो भाई, अच्छा खासा है, थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हो, स्पेस ऐड करने का थोड़ा, उसके बाद थोड़ा स्पेस अंदर भी है, तो काफ़ी गहरा भाई। मेनली यार मेरे को तो भाई मटेरियल जो है ना मैं अंदर काफ़ी अच्छा लगता है, जो अंदर ये यूज़ करते हैं, मतलब ये जो क्वालिटी का मटेरियल है ना ये कोई और कंपनी जल्दी से यूज़ नहीं करती। हालांकि आपको टाटा वगैरह में भी मिल जाता भाई, पर वो इतना प्रीमियम नहीं है भाई जितना भी ये गाड़ी दे रही है, मतलब या फिर महिंद्रा दे रही है अपनी गाड़ियों में, तो ये जो है ना भाई बाहर भी अंदर भी सारी क्वालिटी
एक हिसाब से काफ़ी अच्छी दे रही है मैनेज करके। अब बात कर रहा था मैं सनरूफ की, तो ये सनरूफ भाई छोटी सी मिलती है, बहुत बड़ी नहीं है, कुछ इस तरीके से भाई खुल जाएगी। एक वो भाई पूरी खुल जाती है भाई, ये तो पूरी खुल गई भाई, कंप्लीट ओपन हो ही चुकी है। बाकी ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है, सनरूफ का ओपनिंग स्पेस तो काफ़ी सही है। बाकी लाइट्स वगैरह आपको मिल जाएगी, हेलोजन लाइट है यहाँ पे, सन ग्लासेस होल्डर है, RPM नॉर्मल है, यहाँ पे माइक वगैरह हो गया कुछ, यहाँ पे टिकट होल्डर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैनिटी मिरर, तो ये सारी चीज़ें भाई। बाकी सेंटर कंसोल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक USB पोर्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके का भाई, यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है भाई MX3 वेरियंट से ही, और यहाँ पे हैंड ब्रेक और पीछे 6 गियर मिलते हैं भाई, रिवर्स गियर कुछ इस तरीके से लगाना पड़ता है, ऊपर से उठा के नीचे से उठा के। उसके बाद भाई 2 कप होल्डर्स यहाँ पे है, यहाँ पे हैंड ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें दी गाड़ी के अंदर। बाकी अभी जान लो इस वेरियंट के अंदर कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं आती, कोई ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आता। तो यही था अभी इस आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।